डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न काइंड्स ऑफ शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स. इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड व्हाट इज शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स. सो इन सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस वी हैव स्टार्टेड ओन कैपिटल एंड ओन कैपिटल वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओन कैपिटल दैट इज शेयर एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स. Now we have to see in this lecture kinds of shares means types of shares. So as you are seeing that there are two types of shares, equity shares and preference shares. First of all we will start equity shares. In equity share there are also two types, equity share with normal voting rights and equity shares with differential voting rights. So equity share with normal voting rights means the shares which have voting rights according to the proportion of the shares held by the shareholder, and equity share with the normal voting rights or equity share with differential voting rights means the shareholder who have differential voting rights in the company regarding payment of dividend, regarding voting, etc. So such type of shareholders have differential rights in the company. ठीक है, तो equity share और प्रीफरेंस शेयर्स ये दो टाइप्स हैं शेयर्स के. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी शेयर्स. तो इक्विटी शेयर में भी दो टाइप्स होते हैं. नंबर वन है इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट यानी वो शेयर होल्डर जिनको कंपनी में वोटिंग राइट उनके शेयर्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है, यानी जितने शेयर्स शेयर होल्डर के पास हैं उतने वोटिंग राइट्स उसके दिए जाते हैं कंपनी के मीटिंग में, कंपनी के मैनेजमेंट में. ठीक है, एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी यहाँ पर शेयर होल्डर को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिलेटेड टू देयर वोटिंग्स. तो उनको डिविडेंड कितना दिया जा रहा है उस हिसाब से उनके वोटिंग राइट्स होते हैं, और वोट कितने देना है उनको, कितने वोट दे सकते हो, तो उनको डिफरेंशियल राइट होते हैं. तो ऐसे शेयर होल्डर्स को जो है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कहा जाता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर जो कि फर्स्ट टाइप है शेयर का. इक्विटी शेयर किसे कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं. इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स, इसको हम कहते हैं. अब कंपनी एक्ट के मुताबिक इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन क्या दिया गया है. कंपनी एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर्स एज दो शेयर्स विच आर नॉट प्रीफरेंस शेयर्स. कंपनी एक्ट के मुताबिक डेफिनेशन ये दिया गया है कि इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो प्रीफरेंस शेयर्स नहीं होते, उनको इक्विटी शेयर्स कहा जाता है. इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं. अब इस डेफिनेशन के बेसिस पर हमको समझना है इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं. तो इक्विटी शेयर्स तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था. इक्विटी शेयर्स शेयर्स के फीचर्स में मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया था इक्विटी शेयर किसे कहते हैं और प्रीफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं इक्विटी शेयर्स इस डेफिनेशन के बेसिस पर इसका क्या मीनिंग बनता है. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंशियल राइट एंजॉय नहीं करते हैं इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. यानी इक्विटी शेयर होल्डर को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, दे डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. यानी जब कंपनी डिविडेंड दे रही है प्रॉफिट होने पर तो इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता कि हमको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, इनको कोई इस तरह का राइट नहीं. और जब कंपनी इनका कैपिटल वापस कर रही है तब भी इनको कोई राइट नहीं होता, कोई प्रेफरेंस नहीं होता कि पहला इनका कैपिटल जो है रिपे किया जाएगा. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो कब दिया जाता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इनको डिविडेंड मिलता है. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स हु हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स हु आर रेडी टू बेयर द अल्टीमेट रिस्क इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज ओनरशिप कैपिटल बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर और रियल मास्टर ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर गेट
फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर के ताल्लुक से आपको याद रखना है सबसे पहले कि इक्विटी शेयर होल्डर यानी वो शेयर्स होते हैं जो प्रीफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। प्रीफरेंस शेयर किसे कहते हैं? जिनको प्रीफरेंस होता है किस चीज़ में? डिविडेंड हासिल करने में और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में। तो इनको प्रीफरेंस हासिल नहीं होता है, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो किसके बाद मिलता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद इनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और इनको जो डिविडेंड दिया जाता है इसका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग होता है यानी चेंजेबल होता है, हमेशा सेम नहीं रहता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी का अल्टीमेट रिस्क बेयर करते हैं, इसलिए इनको कंपनी के रियल ओनर और रियल मास्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यह था इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फीचर्स ऑफ शेयर्स, अब देखना है हमको फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला फीचर परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल मीन्स द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉन रिफंडेबल, इट इज़ रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो इक्विटी शेयर होल्डर provides long term fund to the company which is not repaid by the company, it is repaid only at the time of winding up of the company, so it remains permanent in the company. तो equity shareholder जो capital provide करते हैं वो company को, वो कैसा होता है? Permanent होता है, यानी company कभी इसको repay नहीं करती, इनका capital कभी वापस नहीं किया जाता, इनका capital उसी वक्त वापस किया जाता है जब company बंद पड़ती है, ठीक है। तो ये कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जो कि कंपनी में परमानेंट होता है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। द रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट फिक्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट फिक्स, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन ऑफ द कंपनी। इफ देर इज मोर प्रॉफिट then equity shareholder will get more dividend, if there is low profit then equity shareholder will get less dividend. So the rate of dividend of equity share is fluctuating, means changeable, it does not remains constant. तो equity shareholder को जो dividend दिया जाता है उसका rate किस तरह से होता है? Fluctuating होता है, fluctuating यानी change रहने वाला। इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो मिलता है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है। और ये फ्लक्चुएटिंग इसलिए होता है क्योंकि ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम है तो कम डिविडेंड, प्रॉफिट और मार्केट कंडीशन के ऊपर जो इसका रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं, सो दे आर द रियल ओनर एंड रियल मास्टर ऑफ द कंपनी, सो दे हैव डिफरेंट राइट्स इन द कंपनी सच एज राइट टू वोट इन द मीटिंग, राइट टू टेक पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द कंपनी, सो they can appoint the directors and secretaries of the company, so they have different rights in the company. So equity shareholder company ke real owner aur real master hote hain, isliye unko different rights hote hain company mein, jaise meeting ko attend karna, meeting mein vote dena, profit mein hissa lena, theek hai, aur isi ke sath books of account ka inspection karna, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्रेटरी, ये सारे राइट्स किसको होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नो प्रीफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रीफरेंशियल राइट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर पेमेंट टू द प्रीफरेंस शेयर होल्डर एंड दे ऑल्सो रिसीव देयर कैपिटल बैक only at the time of winding up of the company, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं होता है, किस चीज़ में प्रिफरेंशियल राइट? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी जब कंपनी
डिविडेंड पे कर रही है प्रॉफिट होने पर, तो इनको प्रीफ्रेंस नहीं होता, इनको लास्ट में डिविडेंड मिलता है। प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर को देने के बाद इनको डिविडेंड दिया जाता है। उसी के साथ साथ जब कैपिटल रीपे किया जा रहा है, जब कंपनी बंद पड़ती है यानी वाइंडिंग अप होता है, तो उस वक्त इनका कैपिटल रिपेड होता है और वो भी सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं होता है जिस तरह से प्रिफरेंशियल होल्डर को होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रोलिंग पावर। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द कंट्रोलिंग पावर इन द कंपनी बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द रियल ओनर एंड रियल मास्टर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर रेडी टू टेक द अल्टीमेट रिस्क ऑफ द बिजनेस एंड दे गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। इफ देर इज नो प्रॉफिट देन इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट द डिविडेंड इन द कंपनी एंड दे कैन कंट्रोल बिकॉज ऑफ हैविंग ओनर ऑफ द कंपनी दे कैन कंट्रोल द कंपनी दे कैन टेक द डिसीजन्स ऑफ द कंपनी दे कैन अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी सो दे हैव different powers or control in the company. Equity shareholder company के owner होने की वजह से सारा controlling power जो होता है equity shareholder के पास होता है। Equity shareholder company के real owner और real master कहलाते हैं क्योंकि company में ये ultimate risk लेते हैं और company को long term capital provide करते हैं। Company को अगर loss होता है तो ये loss bear करता है, इनको कोई dividend नहीं मिलता है। तो इस तरह से ओनर होने की वजह से इनको कंट्रोलिंग पावर होता है, ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोलिंग पावर होते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है उसको रिस्की कैपिटल कहा जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रिस्की कैपिटल। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इन इक्विटी शेयर कैपिटल बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग। If there is no profit, for example, if any year company is suffering from loss, then equity shareholder do not get the dividend. If dividend is paid only when company earn a profit, if there is no profit, no dividend. So the equity shareholder has to bear the loss of risk. So equity shareholders are the risk bearer. तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है इसको रिस्की कैपिटल कहा जाता है क्योंकि इसमें रिस्क होता है। रिस्क इसके लिए होता है कि जब इनको डिविडेंड दिया जाता है तो वो फ्लक्चुएटिंग होता है और डिविडेंड उसी वक्त मिलता है जब प्रॉफिट होता है। अगर किसी साल लॉस हो रहा है तो उस वक्त इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ इक्विटी शेयर होल्डर लॉस बेयर करते हैं, इनका कैपिटल भी सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा होता है, रिस्क ही कैपिटल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल क्लेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर का रेसिडुअल क्लेमेंट होता है। रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब होता है लास्ट, ठीक है, लास्ट क्लेम। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द रेसिडुअल क्लेमेंट इन द अर्निंग और इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर हैव द लास्ट क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर, देन देर इज अ क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द रिमेनिंग अमाउंट और रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दैट्स देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड एज दे आर द रेसिडुअल क्लेमेंट इन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। यानी रेसिडुअल क्लेमेंट इस पॉइंट में आपको रेसिडुअल का मीनिंग मैंने बताया कि लास्ट, ठीक है, आखिरी क्लेम होता है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। किस पर आखिरी क्लेम होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो अर्निंग होती है उसके ऊपर क्लेम जो होता है वो आखिरी क्लेम होता है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। यानी जब कंपनी सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर को, फिर उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिसने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है या फिर बैंक से लोन लिया, उन सबका पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो पैसा बचता है, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए इनका जो है लास्ट क्लेम होता है, इसलिए इसको रेसिडुअल क्लेमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है नो चार्ज ऑन असेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स
do not have any charge on the fixed assets of the company. No charge on assets means the creditors have the charge on assets of the company. No charge on asset means if the suppose the company fails to make the payment of the creditors, then the creditors can claim on the fixed assets of the company. The company has to sell its fixed asset and make the payment of creditors. ठीक है, no charge on assets means there is a charge on assets or there is a security of assets provided only to the creditors. This security is not provided to the equity shareholder. Understood? So equity shareholder cannot claim on the fixed assets of the company. So equity share capital is unsecured capital. There is no security. If company provides charge on assets, that capital becomes secured capital. And this security is provided by the company only to the creditors of the company. Creditor means the company from whom the amount is borrowed on interest. ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी के फिक्स्ड असेट पर कोई चार्ज नहीं होता है. चार्ज ऑन असेट्स का मतलब क्या होता है? कंपनी के असेट्स पर राइट्स. कंपनी अगर इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट पे करने में, इनका कैपिटल रिपे करने में फेल हो जाती है, तो कंपनी अपने असेट बेचकर इनका पेमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इनका चार्ज ऑन असेट नहीं है. अगर वही क्रेडिटर है कंपनी के जो क्रेडिटर होते हैं, डिबेंचर होल्डर, बैंक है, इनका कंपनी के असेट्स पर चार्ज होता है. यानी अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है इनका पेमेंट करने के लिए, कंपनी को अपने फिक्स्ड असेट सेल करके डिबेंचर होल्डर का, बैंक का जो है पैसा वापस करना होता है. तो जिस तरह से चार्ज ऑन असेट क्रेडिटर को दिया जाता है, वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी के ओनर होते हैं, ये रिस्क बेयर करते हैं, जो भी लॉस होता है उसको बेयर करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बोनस इशू. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज बोनस इशू. बोनस इशू मीन्स दीज आर द फ्री शेयर्स गिवन बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज अ गिफ्ट. When company earn more profit, the company provides bonus shares to its existing equity shareholder at free of cost as a gift. So only existing equity shareholders are entitled to receive the bonus shares of the company. Preference shareholders do not get the bonus shares from the company. Understood? So bonus share means it is not any amount or any fund which is given by the company for its employees in the occasion of Diwali. So such type of bonus is not in equity shares. This bonus means some extra shares, free shares are given to the existing shareholder. Suppose if any shareholder having 10 shares, so company is providing 2 free shares, so that 2 free shares are known as bonus shares. So bonus issue ka matlab hota hai company अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जब गिफ्ट के तौर पर फ्री एक्स्ट्रा शेयर्स देती है, तो उसको बोनस शेयर्स कहा जाता है. तो बोनस शेयर्स कंपनी कब देती है? कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स देती है, यानी फ्री शेयर्स देती है. यहाँ पर बोनस का मतलब कुछ अमाउंट, कोई पैसे नहीं होता है. बोनस का मतलब एक्स्ट्रा शेयर. सपोज़ किसी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स हैं, तो कंपनी उसको फ्री में शेयर्स दे रही है, 10 पर 2 शेयर्स उसको फ्री दे रही है. तो जो 2 शेयर्स फ्री दे रही है, उसको बोनस शेयर्स कहा जाता है. बोनस शेयर से शेयर होल्डर के शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी का कैपिटल भी बढ़ जाता है. उसके बाद है राइट इशू. राइट इशू मीन्स ऑफरिंग शेयर्स to the existing shareholders of the company when company needs additional amount of capital. So as per the provision of the Companies Act 2013, when company needs additional amount of company sells its shares for raising the capital. Whenever company is going to sell the shares or new shares to the public, first of all the company has to sell that shares to the existing equity shares of shareholder of the company. Then after, company has to sell that shares to the general public. So when company is going to sell the new shares, first of all to its shareholder, such
sale of share is known as right issue. So this right issue is given only to equity shareholder, it is not given to preference shareholder. तो लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं राइट इशू. राइट इशू का मतलब होता है जब कंपनी नए शेयर ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, जब कंपनी को फ्यूचर में एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के ऑफर को राइट इशू कहा जाता है. यानी कंपनी को फ्यूचर में जब कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर सेल करती है और कैपिटल रेस करती है. तो शेयर्स जब सेल कर रही है तो कंपनी एक्ट के मुताबिक सबसे पहले कंपनी ने किसको सेल करना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को सेल करना चाहिए. ठीक है, तो ये उनका राइट होता है कि जो भी नए शेयर्स कंपनी बेच रही है उसको खरीदने का हक किसको होता है, इक्विटी शेयर को. तो और उसी राइट को क्या कहते हैं, राइट इशू कहा जाता है. तो कंपनी ये दूसरों को नहीं बेच सकती. अगर इक्विटी शेयर होल्डर रिजेक्ट करते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए ये शेयर्स, तब कंपनी जो है दूसरों को सेल करती है. तो इस राइट को राइट इशू कहा जाता है जिसमें नए शेयर्स बेचे जाते हैं. तो ये राइट इशू सिर्फ कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, ये राइट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये थे इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर्स के हमने फीचर्स आज सीखे हैं. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जामिनेशन में अक्सर जो है लॉन्ग टाइप आंसर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज़ इक्विटी शेयर्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो दिस इज़ अ लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क फॉर अ शॉर्ट नोट सच एज एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ एनी फाइव फीचर्स और एनी फोर फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक, तो लॉन्ग आंसर में ये पूछा जा रहा है 8 मार्क्स के लिए. तो इक्विटी शेयर्स का मीनिंग और इसके 10 फीचर्स सफिशेंट होते हैं. वैसे 8 फीचर्स सफिशेंट होते हैं 8 मार्क्स के लिए. तो हमने 2 एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर देखे हैं. ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आपको पूछा जाता है 4 या 5 मार्क्स के लिए. तो वहाँ पर हमको 4 या 5 पॉइंट्स सफिशेंट होते हैं. ठीक है, तो आज हमने काइंड्स ऑफ शेयर्स में पहला टाइप्स हमने कंप्लीट किया इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड टाइप स्टार्ट करेंगे प्रीफरेंस शेयर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.